ओके तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक लेआउट के बारे में समझाऊंगा, ठीक है, स्टेयर केस का। कि स्टेयर केस का एक ड्राइंग है हमारे पास, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, वो ड्राइंग है, ठीक है। और इस ड्राइंग में मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं, इसी का हम अभी आपको जो है लेआउट करके एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या प्रोसेस है लेआउट करने का और कैसे बनाना है। सब कुछ मैं आपको लाइव जो है दिखाने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसी चीज़ को यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये कॉलम है 3210 का जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक कॉलम है, ठीक है। इधर में और इधर में भी एक कॉलम है, दो कॉलम है, और उसके ऊपर ये स्टेयरकेस रखा हुआ है। देखिए, यहाँ से ऐसे करके और फिर ऐसे ऐसे ये स्टेयरकेस रखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो हमें इसी स्टेयरकेस का लेआउट करना है, मतलब ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं इसका लेआउट करना है, और हमें इसको बनाना है। तो उसको कैसे बनाएंगे, कैसे उसका लेआउट होगा, चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ओके, तो लेआउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सीधा लाइन खींच लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और लाइन का हम मेजरमेंट रखेंगे 3825, ठीक है। तो सपोज करते हैं 3825 हमारा यहाँ तक आता है। ओके, ऐसे और यहाँ तक, सॉरी, यहाँ तक। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3825। तो ये हमने एक 3825 का लाइन ले लिया यहाँ पे। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए, हमें ये 3210 को नहीं लेना है, ये जो आप देख रहे हैं ये 3210, हमें इसको नहीं लेना है, हम सिर्फ इधर का लेंगे। क्योंकि मतलब हमारा सीढ़ी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये जो हमारा सीढ़ी है यहाँ से स्टार्ट होके और ऐसे गया है। ओके, तो हम लेआउट इतना ही एरिया का करेंगे, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है, हम इतना नीचे का नहीं करेंगे, है ना। तो आइए दिखाते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो भी 400 है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये भी 400 है ना। ओके, ये भी 400 है और ऊपर का भी 400 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 400 का हम जो है एक मार्क कर देंगे। तो सपोज करते हैं यहाँ से और यहाँ तक आ गया इसका 400। ओके ओके, तो आपको समझ में आ गया कि ये हमने जो यहाँ पे 400 लिया है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है। तो वो कौन सा है, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, मतलब कि 3825 जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा सेंटर से लेकर के और ये कॉलम का सेंटर तक है। तो वही हमने यहाँ पे मारा हुआ है, ये सेंटर ले लिया हमने एक और एक ये सेंटर ले लिया। ओके, और उसके बाद 400 में हमने मारा है, मतलब कि ये यहाँ पे एक सेंटर लाइन तो आएगा ना, ऐसे इधर एक सेंटर लाइन आएगा बिल्कुल कॉलम का बीचों बीच में, और एक इधर आएगा सेंटर, है ना। तो वही हमने यहाँ से और यहाँ तक जो 400 mm है वही हमने यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ओके, अब हम वही चीज़ इधर भी करेंगे, ठीक है। तो ये सेंटर लाइन समझिए ये है, तो इधर से हम 400 mm यहाँ तक लेंगे, तो ये सपोज कीजिए यहाँ तक आया। ओके, अब क्या करेंगे, अब एक वर्टिकल लाइन लेंगे हम 1705 mm का। अब ये क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको भी समझाता हूँ। हमने जो यहाँ पे जो लाइन जो ड्रॉ किया है, ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 3825 का, तो वो लाइन सपोज कीजिए हमने यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ऐसा सीधा ड्रॉ किया है। ओके, तो अब हमें इसका ऊपर ऐसे ड्रॉ करना है, मतलब कि ऐसे ड्रॉ करना है जो कि है 1705। तो कैसे निकलेगा, आइए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये हमारा टोटल हाइट कितना है, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक वो है 4915। ओके, तो ये टोटल हमारा 4915 हो गया, और उसमें हम माइनस कर देंगे 3210, मतलब ये वाला हाइट, है ना। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, एक एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो, जो बेसिकली नए हैं उनको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ले लेता हूँ ब्लैक का। ओके, जो कि हमारा टोटल हाइट है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ओके, हमने ये हाइट लिया है, और अब मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ
ये वाला हाइट यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस पर मर्ज कर देता हूँ, मतलब माइनस कर देता हूँ। तो अब देखिए आप, बचा कितना यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बचा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बचा, तो वही हाइट हमारा कितना रहेगा, 1705। मतलब क्लियर सिंपल सा फंडा है, ये टोटल हाइट है हमारा 4 मीटर 915 और उसमें हमने माइनस कर दिया ये वाला 3210, है ना, यहाँ से हमारा 3210 है, तो हमारा कितना बच जाएगा, 1705। तो वही हम यहाँ पे एक 1705 का एक लाइन लेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम एक लाइन ले लेते हैं 1705 का, जो कि मान लेते हैं लगभग यहाँ तक आएगा, सॉरी वो हम इधर लेंगे, है ना, यहाँ पे लेंगे, क्योंकि 400 हम माइनस कर रहे हैं सेंटर लाइन, तो यहाँ पे, यहाँ पे हमें लेना नहीं, हमें 400 इधर छोड़ के लेना है, तो 400 हमने छोड़ दिया यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 400, ताकि आप लोग को आसानी हो समझने में। ओके, और इधर भी 400 लिख देते हैं। ओके, और अब क्या करते हैं, अब हम इसका यहाँ पे भी नंबर लिख देता हूँ 1705। ओके, तो अब यहाँ पे हमें दो डिजिट मालूम चल चुका है, एक ये 1705 और एक 3825, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसको हम बोलते हैं लंब, मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसको बोलते हैं बेस, आधार जिसको बोलते हैं। तो लंब और आधार हमें पता है, तो हमें यहाँ पे कर्ण फाइंड आउट करना है, सॉरी कर्ण इस पे आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आएगा, इस पॉइंट तक, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम कर्ण का डिस्टेंस, तो उसके लिए यहाँ पे मैं इस ऐप का यूज कर रहा हूँ, ट्रायंगल सॉल्वर का। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ कि 3825 ही हमारा टोटल लेंथ है, ठीक है, उसमें से हमें 400 इधर का माइनस करना है और 400 इधर का, है ना, क्योंकि 3825 हमारा टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 400 इधर का माइनस करना है, 400 इधर का मतलब 800, तो 3825 में 3825 में मैं 800 माइनस करता हूँ, तो हमारा आंसर आ गया 3025। ओके, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, पहले तो यहाँ मैं 1705 लेता हूँ और उसके बाद 3025। ओके, और अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो कितना आ गया, 3472, 3472, मतलब ये जो हमारा डिस्टेंस रहेगा ये वाला यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इसका डिस्टेंस रहेगा 3472। ओके, ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो लेआउट इस तरीके का। अब यहाँ पे ये जो हमने जो लाइन जो खींचा सीधा वाला, तो उसको कैसे खींचना है, यहाँ पे मैं ये एक बार आपको समझा देता हूँ, क्योंकि जिनको पता नहीं होगा उनको फिर दिक्कत होगा लाइन खींचने में, सीधा लाइन, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे सीधा लाइन खींचने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आपको टेप से 1705 पे इस तरीके का लाइन मार देना है, ऐसे मान लीजिए 1705 यहाँ पे आता है। ओके, ठीक है, मतलब टेप से आपको चेक करना है यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस 1705 होना चाहिए। आप दो जगह टेप से मार्किंग करके और एक सीधा इस तरीके का लाइन खींच लीजिए। ओके, लाइन खींचने के बाद अब यहाँ पे जो अभी हमारा जो आंसर आया 3025, अभी जो हमारा आंसर आया 3472, तो यहाँ से लेना है ऐसे और यहाँ पे देखना है कहाँ पे आ रहा है 3072, तो मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ से ऐसे एक लाइन मिला देना है, तो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री में हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको एक सीधा लाइन खींचना है। ऐसे हमने इसके ऊपर भी पहले वीडियो बनाया हुआ है, राइट एंगल कैसे निकाला जाता है, वो देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे चूंकि स्टेयरकेस का लेआउट करना है, तो हम क्या करेंगे, अब हम टेप से, हम
हमारा जो चैनल है वो हमारा 200 का है, तो टेप से हम यहाँ पे 200 के दूरी पे ऐसे एक पॉइंट मार देंगे, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी एक मारेंगे 200 के दूरी पर एक लाइन, ओके। और फिर हम यहाँ पे भी टेप से 200 के डिस्टेंस पे एक लाइन मार देंगे, लाइन नहीं मतलब पॉइंट, मतलब यहाँ पे पॉइंट मार देंगे यहाँ पे। वो सब हमने दिखाया हुआ है वीडियो में, आप देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि उसके बाद एक यहाँ पे मार देना है 200 का पॉइंट और एक यहाँ पे मार देना, ओके। तो मैं सबको मिटा देता हूँ, सिर्फ मैं पॉइंट ही यहाँ पे छोड़ता हूँ, है ना। टेप तो इसमें है नहीं जो मैं आपको टेप से मार के दिखाऊँ। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए 200 आ रहा है, ओके। अब आपको क्या करना है, इसको सीधा ऐसे खींच देना है, ऐसे यहाँ से खींचना है ऐसे करके, और 200 का जहाँ पे भी लाइन आ रहा है ऐसे करके खींच देना है, ओके। और उसके बाद ऊपर का भी आपको ऐसे करके खींच देना है 200 का, ओके। और नीचे का भी 200 का लाइन यहाँ से है तो ऐसे करके खींच देना है, ठीक है। ये थोड़ा नीचे जाएगा लग रहा है ऐसे, ओके। और फिर सबको यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ जो एक्स्ट्रा लाइन है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को वीडियो दिया है, उसमें भी मैंने लेआउट करके जो है बताया हुआ है पूरा आप लोगों को, तो वो वीडियो जो आप देख लेंगे तो आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये हमने जो है स्टेयरकेस का अभी तक लेआउट यहाँ पे कर दिया, ओके, देख सकते हैं आप। अब हमें इसका कटबैक निकालना है। तो कटबैक कैसे निकालना है, मैं यहाँ पे आई बटन में एक लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को एक बार देख लें, आपको क्लियर सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको भी यहीं तक रखता हूँ, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है, ओके। तो चलिए देखते हैं, ओके। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने आपको अभी दिखाया कि एक सीधा लाइन खींचना है, वही यहाँ पे एक लाइन खींचा जा रहा है सबसे पहले, इसी पे हम जो है लेआउट करेंगे पूरा सीढ़ी का, ठीक है। तो लाइन डोरी की मदद से उसको जो है हम एक सीधा लाइन खींचे हैं, ओके। तो सीधा लाइन हमने खींच दिया, ओके। अब हम टेप से उसको चेक कर रहे हैं, और जो भी हमने आपको बताया कि जो 3825 का जो मार्किंग है वो हम अभी ले रहे हैं, ओके, नीचे का। जो सेंटर टू सेंटर जो मैंने अभी आपको बताया, बेस टू बेस जो है वो हमने ले लिया, ओके। और उसके बाद 1702 जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जो हमारा हाइट आया था, सॉरी 1705, वो यहाँ पे मार रहे हैं, ओके। 1705, 1705, देखिए दो पॉइंट यहाँ पे हम मार रहे हैं 1705 का, ये देखिए। और उसको हम लाइन खींच देंगे उसको सीधा मिलाने के लिए, ठीक है। तो उसको देखिए हमने यहाँ पे सीधा मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ट्रायंगल सॉल्वर ऐप से हम उसका जो कर्न है हाइपोटेनस उसको फाइंड आउट करेंगे, और हमने निकाला है तो 3472 आया था, तो उसी को हम यहाँ पे ले रहे हैं 3472। तो देख सकते हैं 3472 में यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, और अब उसको हम यहाँ पे लाइन डोरी से ऐसे मिला रहे हैं, देखिए जो कि 90 डिग्री में राइट एंगल में पूरा हुआ हमारा लाइन हो चुका, ठीक है। हमने यहाँ पे राइट एंगल ड्रॉ कर लिया, ओके। और अब देखिए यहाँ पे 200 का जो हमारा चैनल आएगा उसको हम यहाँ पे अभी ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए पहले टॉप पे एक सीधा लाइन खींच रहे हैं, और देखिए 200 हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, 200 नहीं 100-100 का मार्क कर रहे हैं। एक सेंटर लाइन भी हम उसमें ले रहे हैं ताकि हमें उसका जो कटबैक है वो मिल पाए, ठीक है। तो 200 हमने मार दिया 100-100 करके, और उसको यहाँ पे लाइन डोरी से ऐसे मिला दे रहे हैं, बेसिकली। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो लोग नए हैं उनको काम का जो है आइडिया हो सके
ठीक है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि कैसे काम किया जाता है, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और देखिए 400 का जो मार्क है, पॉइंट है, वो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ 400 का। ठीक है, और ये रहा नीचे का, जहाँ पे हम 200 mm का पॉइंट मार रहे हैं, और उधर भी हम लाइन डोरी से इसको मिला दे रहे हैं। ओके, ठीक है, और फिर उसको राइट एंगल से हमने यहाँ पे एक लाइन ट्रांसफर किया है, और वहां से 400 mm मार रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया हाइपोटेनस का कर्ण का लाइन, वो यहाँ पे हम मार रहे हैं। और देखिए वो सेंटर लाइन है, और उसके मतलब दोनों साइड 100 mm का हम मार कर रहे हैं। ओके, और फिर नीचे का जो एक लाइन है 100 100 mm का, उसको हम मिला रहे हैं। और सेम एक ऊपर में जो लाइन है उसको हम मिला रहे हैं दोनों को। वो पॉइंट है यहाँ पे देखिए 100 mm का, तो उस पर हमने मार दिया था। देखिए ये पूरा हमारा जो एक सीढ़ी है, स्टेयर है, उसका जो है यहाँ पे लेआउट हो चुका है, देख सकते हैं आप। जो अननेसेसरी लाइन है उसको यहाँ पे हम इरेज कर दिए। और एक बार हमने इसको जो है रीचेक कर लिया, देख लिया कि ऊपर का कितना हमारा है, तो ऊपर का जितना है उसे हम डिवाइड 10 कर देंगे, क्योंकि हमें 10 स्टेप यहाँ पे अभी लगाना है इसमें। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कटबैक कैसे निकालना है चैनल का, वो यहाँ पे प्रोसेस किया जा रहा है अभी। देखिए पहले यहाँ पे जो चैनल जो आया हुआ है, जो हमारा ट्रेवल का जो चैनल है, उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ओके, देख सकते हैं एक चैनल हो गया। और यहाँ पे हमारा जो मैचिंग हो रहा है वहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं। तो देखिए एक हमारा यहाँ पे कटबैक आ चुका है, ये देखिए 65 mm। और अब हम छोटा वाला जो पीछे जो 400 का है, उसका भी हम अभी कटवे निकालेंगे, तो देखिए किस तरीके से निकालना है। तो देख सकते हैं दोनों चैनल का हमने यहाँ पे जो कटबैक है वो यहाँ पे निकाल लिया हमने, 42 165 का। सेम वैसे ऊपर में भी करना है। और सेम यहाँ पे चेक किया जा रहा है इसका कटबैक कितना है। और
और उसी तरीके से जो ऊपर का जो चैनल है, जो प्लेटफॉर्म रहेगा हमारा, उसका भी कटबैक क्या है वो यहाँ पे निकाला जा रहा है कटबैक। जो कि 50 और 55 mm है। ओके, ये देखिए चैनल पे मार्किंग किया जा रहा है। ये सब हमने जो है ना बिल्कुल डिटेल में हमने जो है इसके पहले भी बताया हुआ है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है उन सब वीडियो को देख सकते हैं, जो कि मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो वो सब देखोगे तो आपको जो है बिल्कुल सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये चैनल का मार्किंग हो रहा है अभी, बेसिकली इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मालूम नहीं किसी को, तो उनको एक आइडिया है कि किस तरीके से काम किया जाता है, क्योंकि थ्योरी सिर्फ देख लेने से नहीं होता, उनको प्रैक्टिकल भी मतलब करके दिखाने से और भी आसान हो जाता है करने वालों के लिए। बीच में गैप थोड़ा सा छोड़ा जा रहा है, वो गैप इसलिए छोड़ा जा रहा है ना क्योंकि उसमें थोड़ा हल्का सा उसमें टेपर कटिंग होता है, डिग्री में कटिंग होता है, ठीक है, तो इसीलिए बीच में गैप छोड़ा जा रहा है। तो आप जो प्रैक्टिकली जब आप करोगे तो आपको मालूम होगा कि गैप जो हमने छोड़ा है 10-15 mm का, वो किसके लिए छोड़ा गया, ठीक है। ठीक है, अगर आपको ये सब पहले से मालूम है तो फिर ये वीडियो आपके लिए कोई काम का नहीं है, और अगर मालूम नहीं है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो, और अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो और मैं अगर चाहता तो ये वीडियो को 5 मिनट में खत्म कर सकता था, बट 5 मिनट में खत्म कर देने से क्या है, जिनको बिल्कुल पता नहीं है उनको फिर समझ में नहीं आ पाएगा अच्छे से, इसलिए बिल्कुल डिटेल में पूरा आपको जो है दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए सभी जो कटिंग हो चुका है और हमने उसको जो मार्किंग है उस पर हमने यहाँ पे रख दिया है सभी को, और टाका लिया जा रहा है बिल्कुल, हमने लेआउट पे उसको रख दिया है। ओके, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आपने अभी तक मतलब इस टाइप का काम किया नहीं है, बिल्कुल नए हो, तो आप जो मैं आई बटन में जो लिंक दूंगा वो सब वीडियो को भी आप एक बार जरूर देख लें ताकि आपको जो और भी अच्छे से क्लियरली मालूम हो जाए। देखिए यहाँ पे हमारा जो स्टेप्स आएगा उसका मार्किंग हो रहा है, तो जैसे कि हमने बताया कि जो हमारा टोटल लेंथ है उसको हमने डिवाइड 10 किया है तो हमारा टोटल लेंथ आ रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए पहले यहाँ पे पैरेलल लाइन लिया गया और उसी लाइन को हम जो है ट्रांसफर कर रहे हैं आगे स्टेप्स के लिए।
देखिए साइड साइड में हम पॉइंट मार रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जब हम दूसरा वाला जो अभी सीढ़ी बनाएंगे, फ्रेम बनाएंगे, तो उसको जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो हमें डबल डबल मतलब फिर से मार्किंग उसको नहीं करना होगा, हम इसी से पकड़ के उसको भी ले लेंगे, है ना। तो इसीलिए मार्किंग इसमें जो है पॉइंट मारा जा रहा है। और अब देखिए दूसरा वाला इसके ऊपर हमने पेड़ रख लिया है। देखिए वो पॉइंट हमने जो है जो मारा था उसको मैं यहाँ पे उसी से मिला दे रहा हूँ ताकि हमें डबल डबल मार्क ना करना पड़े। और उस पे ये एंगल जो है लगाया जा रहा है क्योंकि उसी के ऊपर हमारा जो चेकर प्लेट है स्टेप्स का वो आएगा। ठीक है, सब कुछ होने के बाद इसको जो है इस तरीके से असेंबली करना है। तो वो मैंने जो है जो मैंने आई बटन में जो लिंक दिया वीडियो को, उसमें आपको जो क्लियरली पता चलेगा। ठीक है, इसमें तो मैं दिखा नहीं पाया कि कैसे करके किया जाता है।